पर धुएं के बादल और शोलों की तपेश। इस्लामाबाद के पिशावर मोड़ बाजार में आग लग गई, मुतादिद दुकानें लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने एक से डेढ़ घंटे में शोलों पर काबू पा लिया। इमरान को गलत फहमी है कि वो वजीर आजम बन जाएंगे, वो शफाफ इलेक्शन से डरते हैं। बिलावल के वार, कहा लाडले की सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। कप्तान मकबूल लीडर हैं तो इतनी सहूलियात क्यों दी जा रही हैं, सवाल दाग दिया। गुजरात में शानदार इस्तकबाल। बिलावल सियासत में नौवारिद हैं और सियासत से नाबलद भी। फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा इमरान शफाफ इंतखाबात के लिए सड़कों पर थे। बिलावल की जमात धांधली करने वालों से बगलगीर थी। जरदारी ने इलेक्शन आलूदा करने वाली जमात का साथ दिया। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप में नवाज शरीफ का ट्रायल खुली अदालत में होगा। वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल वापस लेने की मंजूरी दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम और FATF की शराइत पर गौर। एहतसाब अदालत में अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। हाई कोर्ट को रेफरेंस से अलहदा होने का लिख दिया है। जेल में ट्रायल करना आसान नहीं कि यहाँ से उठकर वहाँ चले जाएं। जज के रिमार्क्स, माजरत और इनकार में फर्क होता है। ख्वाजा हारिस का रद्दे अमल। फाटा में वही कानून नाफिज होंगे जो मुल्क में है, इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा। निगरा वजीर इतलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फाटा में इंफ्रास्ट्रक्चर जादू की छड़ी से मुकम्मल नहीं हो सकता। बुनियादी ढांचे की तामीर 10 साल में मुकम्मल होगी। सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का इल्जाम, नैब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की तलबी। कप्तान पेश न हुए, वकील ने इलेक्शन के बाद का वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस, अकबर अस बाबर के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मदार ही करेगा सब कप्तान। सोना लगदा मिया शबाज़े जिद नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आवाज़े सानू मिया। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी, कप्तान का सुनामी आज जेहलुम से टकराएगा। शहबाज शरीफ राजनपुर में रैली की क्यादत करेंगे। हालिया में बिलावल तीर चलाने के लिए तैयार, मुतहदा मजलिस अमल डेरा इस्माइल खान में मैदान सजाएगी। सरकारी इदारों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। PS 16 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद अली को ना अहल करार दे दिया। PP 90 भक्कर से डॉक्टर शहजाद नियाजी की ना अहली के खिलाफ अपील खारिज। कराची में इलेक्शन के दौरान ताला तोड़ मुहिम भी जारी। सदर में डाकुओं ने 1-2 नहीं 14 दुकानों का सफाया कर दिया। छत से मार्केट में दाखिल हुए, दुकानों के ताले काटे और लोगों की जमा पूंजी लूटकर चलते बने। इलेक्शन कमीशन पर वोटों से पहले मॉनसून बरस गया। इस्लामाबाद में बारिश, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर पानी पानी हो गया। बिजली गायब, मुलाजमीन का बुरा हाल। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। CTD ने मसूम हमले की तहकीकात शुरू कर दी। जाय वकूआ से शवाहिद इकट्ठे किए। मुबैना खुदकुश हमला आवर के आजाद टेस्ट के लिए इस्लामाबाद भेज दिए। क्वेटा में एहतजाज, तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। आबिद बॉक्सर के तहफ्फुज के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िम का कुछ पता नहीं, जाली मुकाबले में मारे जाने का खदशा है। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। निगरान वजीर खारजा कहते हैं न्यू ऑर्डर आ रहा है और इसे हल्का नहीं लेना चाहिए। कोई नहीं कह सकता आलमी मंजरनामे पर क्या कुछ होने जा रहा है। मुल्क की खारजा पुराने मसाइल से दो चार है। Oh, yeah.
Davis Kurtz. Big shout for LBW, the finger goes up, it was very... And he gets it. 5-4 Fahim Ashraf. Tremendous effort from him. He gives thanks. शाहीन फिर झपट पड़े, तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे बल्लेबाजों को बेबस कर दिया, अपने खिलाफ कम तरीन स्कोर 67 रन पर ऑल आउट कर दिया। कौमी टीम हदफ की जानिब गामजन, मैच के साथ सीरीज जीतने का भी कभी इम्कान। अमरीकी सदर का यू टर्न, इंतखाबात में रूसी मुदाखलत पर अमरीकी एजेंसियों का दावा दुरुस्त है, पिछली गुफ्तगू में नहीं कहना भूल गया था, ट्रंप की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस चीफ ने बिजली बंद कर दी। में होगा निगरान वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जितने कानून हैं, बिलखसूस सिविल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो सारे के सारे नाफिज तो हो जाते हैं फाटा में, लेकिन जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके लिए बिल्डिंग्स हैं, जो जज साहिबान हैं, जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, जो आपकी सिस्टम को चलाने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो सारे एकदम जादू की छड़ी से तो नहीं आ सकते। वफाकी हुकूमत कोई ऐसा टैक्स नहीं लेगी फाटा के लोगों से जो कि मर्जर से पहले नहीं लिया जा रहा था। और अभी आपको बताएं कि निगरा वजीर इत्तला'आत अली जफर ने कहा है कि फाटा इंजमाम के बाद इंतजामी अमूर के हवाले से मसाइल आए हैं। फाटा में वही कानून नाफिज होंगे जो पूरे मुल्क में हैं। फाटा के अवाम पर इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा। फाटा में इंफ्रास्ट्रक्चर जादू की छड़ी से मुकम्मल नहीं हो सकता। मजीद आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत के दौरान वकील सफाई खाजा हारिस ने हाईकोर्ट के फैसले तक कार्रवाई का हिस्सा ना बनने का कह दिया है। जज मोहम्मद बशीर ने कहा है कि रेफरेंस से अलहदा होने का खत लिख दिया, तहम केस मुंतकली का इख्तियार मेरे पास नहीं है। जेल में ट्रायल करना अदालत के लिए आसान नहीं, बहुत सी चीजें देखना पड़ेंगी। खाजा हारिस ने कहा कि बॉल आपके कोर्ट में है। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत के दौरान वकील सफाई ख्वाजा हारिस से रेफरेंस दूसरी अदालत मुंतकिल होने से मुतालिक पूछा, तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल की दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि बॉल आपके कोर्ट में है, आप दीगर रेफरेंसेस को सुनने से इनकार कर सकते हैं। जज मोहम्मद बशीर ने बताया कि हाईकोर्ट को खत लिख दिया है, ताहम केस मुंतकिली का अख्तियार उनके पास नहीं। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि माजरत और इनकार में फर्क होता है, केस मजीद सुनने के हवाले से जमीर के मुताबिक फैसला करें। इस मौके पर नए प्रोसिक्यूटर ने इतराज करते हुए कहा कि सारी शहादतें यहाँ रिकॉर्ड हुई, तो इसी जज को ही ट्रायल मुकम्मल करना होगा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन एहतसाब अदालत में पेश हुआ तो ख्वाजा हारिस बोले, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की जरूरत थी, हमारे क्लाइंट के साथ जो मर्जी करो ऐसा नहीं होता। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि जेल में ट्रायल करना अदालत के लिए भी आसान नहीं, बहुत सी चीजें देखना पड़ेंगी। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल केस में इमरान खान तलबी के बावजूद नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश नहीं हुए। इमरान खान के वकील ने नैब से इलेक्शन के बाद का वक्त मांग लिया है। इमरान खान पर इल्जाम है सरकारी हेलीकॉप्टर 74 घंटे तक इस्तेमाल करने और सरकारी खजाने को 21 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का। इसी इल्जाम की तहकीकात के लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को तलब किया था। इमरान खान को पेश होकर नैब के तैयार करदा सवालात के जवाब देना थे, ताहम इमरान खान नैब में पेश ना हुए। नैब इस मामले पर परवेज खटक और 4 ब्यूरोक्रेट्स के बयान कलमबंद कर चुका है। और अब कुछ बात कर लेते हैं सानिया मस्तूम के हवाले से, जिसके खिलाफ इंसानी हकूक के कारकुनों ने कोयटा प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहरीन इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों और सानिया की तहकीकात के लिए कमीशन के कयाम का मुतालिबा कर रहे थे।
प्रेस क्लब के बाहर होने वाले मुजाहरे के शुरका ने मस्तूम के मजलूम शोधा की हिमायत और भारत के मुखालफत में नारे लगाए। शहीद नवाब ज़ादा अमीर सिराज खान रही सानी के कातिलों को। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को तहफ़ुज़ फराहम किया जाए और सानिया की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। शुरका ने शोधा के लिए फातह खानी भी की। मस्तूम खुदकश हमले में सिराज रईसानी समेत 149 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए थे। कराची के इलाके सदर में नकबजनी की एक और वारदात। ताला तोड़ ग्रुप एक दर्जन से जायद दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान ले उड़ा। तफसीलात सऊद बिन मुर्तजा की इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची में ताला तोड़ ग्रुप ने पुलिस के दावों की कलई खोल दी। सदर बोरी बाजार के करीब मार्केट में 14 दुकानों के ताले काट दिए गए। आठ मुलजिमान अखबी मार्केट से पहली मंजिल की ग्रिल काटकर मार्केट में दाखिल हुए। मुलजिमान ने चौकीदार को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। अंदर तो कभी गुमान में भी नहीं हुआ था कि इस तरह हो सकता है कि बाहर एक यानी सिक्योरिटी ताले हैं, उसके बाद चौकीदार है, बाहर मोबाइल होती है, 11 बजे तक तो मोबाइल होती है, उसके बाद अंदाजा नहीं गश्त करती नहीं करती। पुलिस ने जाए वकूआ से शवाहद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जैसे शवाहद मिलते जाएंगे हम उस तरह से कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी ओवर रूल कर दें, ऐसा नहीं है। जैसे इन्वेस्टिगेशन मजीद चल रही है, आगे अभी फिंगरप्रिंट्स लिए हैं मजीद और हम आगे कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। इधर मार्केट में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, एक शॉप में है तो उसको हम देखेंगे और मजीद